हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि CSW का सदस्य किसे चुना गया है? सही उत्तर है डी ऑप्शन, भारत। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि CSW का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन तीन देश चुनाव रेस में शामिल थे। वहीं दूसरी ओर चीन इस निकाय में सुरक्षित सीट पाने में नाकाम रहा है। यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धता का परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था भारत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ये कथन किस क्वेश्चन से रिलेटेड है, किस बात से रिलेटेड है, तो वो पढ़ते हैं। हाल ही में पारित विमान संशोधन विधेयक 2020 के संबंध में है। पहला कथन है, विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहता है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करना है, जिसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA भी शामिल है। तीसरा है, नए नियमों के तहत उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि जो तीनों कथन है वो तीनों ही सही है। विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना चाहता है, जो नागरिक विमानों के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात को नियंत्रित करता है और एरोड्रोम का लाइसेंस प्रदान करता है। उसका उद्देश्य तीन मौजूदा निकायों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB सांविधिक निकायों के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत धर्मांतरित करना है। नए नियमों के तहत उल्लंघन के लिए जुर्माना राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का रखने का प्रस्ताव किया है। तो यहाँ पे तीनों कथन हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन, राजेश खुल्लर। 1988 बैच के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को Washington DC स्थित विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल या उनके पद से मुक्त होने की तारीख 23 अगस्त 2023 तक की मंजूरी दी गई है। वर्तमान में वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधान सचिव के रूप में तैनात हैं। वो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका सहित देशों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश खुल्लर को। नेक्स्ट, हाल ही में खोजा गया फॉस्फीन गैस निम्नलिखित में से किस ग्रह पर पाया गया है? बी ऑप्शन, शुक्र पर। विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया है कि शुक्र के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस के निशान मिले हैं, जो पृथ्वी पर जीवित जीवों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है फॉस्फीन गैस का? PH3। ठीक है, विशेषज्ञों की एक टीम ने सतह से लगभग 60 किलोमीटर यानी कि 45 मील दूर शुक्र के ऊपरी बादल डेक का निरीक्षण करने के लिए हवाई और चिली के अटाकामा रेगिस्तान में दूरबीनों का इस्तेमाल किया। ठीक है, फॉस्फरस का, हाँ ये एक फॉस्फरस का यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र मैंने अभी बताया PH3 है और ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। ये ज्वलनशील है यानी कि यह हाईली इनफ्लेमेबल है और यह एक विषैली गैस होती है यानी कि ये पॉइजनस भी है।
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई मेकेदातु परियोजना फिल इन द ब्लैंक्स के बीच विवाद का कारण है, तो आपको बताना है कि किन दो राज्यों के बीच ये विवाद का कारण है। सही उत्तर है तमिलनाडु और कर्नाटक। मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। कर्नाटक सरकार रामनगरा जिले के मेकेदातु के पास कावेरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए केंद्र से मंजूरी लेने जा रही है, जो बेंगलुरु को पेयजल आपूर्ति करने और क्षेत्र में भूजल तालिका को पुनर्भरण का प्रस्ताव है। तमिलनाडु का तर्क है कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा, तो ये वजह है उन दोनों के विवाद का। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, भारत सरकार ने मिशन शक्ति के तहत एक डाक टिकट शुरू किया है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन का सही उत्तर है डी ऑप्शन, मिशन शक्ति। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ था, भारत सरकार ने किस मिशन के तहत एक डाक टिकट शुरू किया है जिसे हाल ही के समाचारों में देखा गया है। तो 15 सितंबर को अभियंता दिवस के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट एसैट मिसाइल पर एक स्वनिर्धारित स्टैंप को मिशन शक्ति की स्मृति में लॉन्च किया गया था। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट लॉन्च किया गया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 का विषय क्या है? बी ऑप्शन है COVID-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में पहली बार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस चिन्हित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2020 का विषय COVID-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी है। इस दिन का उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना है। एक क्वेश्चन है आज का, हाल ही में समाचार में देखा गया बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन सहकारी बैंकों का पुनर्गठन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की शक्तियां देने के लिए नया बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020 पारित किया। इस विधेयक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन किया जाएगा। ये बैंकिंग संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा। नाइन्थ क्वेश्चन है आज का, समीर कुमार खरे को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, एशियाई विकास बैंक। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने समीर कुमार खरे को एशियाई विकास बैंक ADB मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। समीर कुमार खरे असम कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वो वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है एशियाई विकास बैंक, यानी कि सी ऑप्शन। और अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, हाल ही में समाचार में देखा गया न्यू हाउस जॉर्डन क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी कि ग्लेशियर। नियो हावर्स जॉर्डन या 79 डिग्री उत्तरी ग्लेशियर ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। उपग्रह चित्रों में ग्रीनलैंड में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक के सबसे बड़े शेष हिमखंड उत्तरी ग्लेशियर के टूट जाने से बर्फ का एक बड़ा स्लैब दिखाई देता है। टूटा हुआ हिमखंड लगभग 110 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है।
तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। अगले दिन फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।